ई कॉमर्स कंपनियों पर पहले ही सवाल उठते रहे हैं, खासतौर पर बहुराष्ट्रीय ई कॉमर्स अमेज़न पर। और अब इस बात का खुलासा हुआ है कि अमेज़न की ओर से भारत में लीगल फीस के रूप में 8,546 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके बाद से ही विपक्ष मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहा है कि आखिर ये पैसा कहाँ गया, क्या सरकार को अमेज़न की ओर से रिश्वत दी गई है। और अब इस मामले में संघ भी विपक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल तो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के करीबियों को भी सरकार की नीतियां पसंद नहीं आ रही हैं। खास तौर पर विदेशी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न को लेकर संघ भी इस मामले में अपनी ही सरकार से खफा दिखाई दे रहा है। संघ से जुड़े समाचार पत्र पांचजन्य ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अमेज़न पर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो चिंता की बात है, सरकार को इस मामले में जाँच करानी चाहिए। अपनी कवर स्टोरी में पांचजन्य ने लिखा है, अमेज़न कंपनी के ही एक कर्मचारी ने यह खुलासा किया है कि कंपनी ने सरकारी अधिकारियों को पैसे देने के लिए एक बड़ी राशि का इस्तेमाल किया है। ये सवाल अमेज़न से पूछा जाना चाहिए कि आखिर वो क्या गलत काम करता है जो उसे काम के बदले गलत तरीके से पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। अमेज़न भारत के बाजार पर कब्जा करना चाहती है, अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहती है, भारतीय संस्कृति को भी नुकसान पहुँचाना चाहती है। इसी तरह का काम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किया था। पांचजन्य के दावे पर संघ परिवार से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने कहा कि हम लोग 2015 से ही अमेज़न के बारे में आवाज उठा रहे हैं, ये कंपनी गलत तरीके से देश में व्यापार कर रही है, ये हमारे देश के अर्थतंत्र पर कब्जा करना चाहती है और इसीलिए इसे ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट टू कहना बिल्कुल सही है। दरअसल अमेज़न के एक कर्मचारी ने ही इस बात का खुलासा किया है कि कंपनी ने भारत में कानूनी सलाह के नाम पर 8,546 करोड़ रुपए चुकाए हैं। कैट ने इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं कि आखिर अमेज़न ने सरकार को 8,546 करोड़ रुपए क्यों दिए, कुछ तो गड़बड़ है, मोदी सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। टीवी लाइव की रिपोर्ट।